चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं Redmi Book 15 Pro का अनबॉक्सिंग। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको जो है मैंने Flipkart के ऊपर से ऑर्डर किया था और ये है Flipkart का बॉक्स। तो चलिए अब जो इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करते ही हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है Redmi Book 15 Pro का बॉक्स, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे आपको जो है कोने में MI लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके जो कुछ स्पेसिफिकेशन है वो सारे कुछ लिखे हुए हैं। और यहाँ पे नीचे में आपको लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा कि इसमें जो है आपको ओपन ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2019 देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा बात है। और इस साइड जो है दोस्तों, आपको यहाँ पे जो है बॉक्स कंटेंट्स लिखे हुए देखने के लिए मिल जाएंगे कि आपको यहाँ पे जो है क्या क्या अंदर देखने के लिए मिल जाता है, अडैप्टर कॉर्ड, ये सारे कुछ। और यहाँ पे सबसे फ्रंट में आपको जो है रेडमी का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे इसका स्क्रीन साइज, अल्ट्रा फास्ट स्टोरेज, और यहाँ पे जो है इसका थिन और लाइट डिज़ाइन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए अब जो इसका सील को रिमूव कर लेते हैं। तो बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है Redmi Book 15 Pro, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड साइड में इसमें प्रोटेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो Redmi Book 15 Pro है दोस्तों, ये जो है एक प्रीमियम सेगमेंट का लैपटॉप है। इसमें जो है आपको अच्छा खासा प्रोसेसर और इसमें जो है आपको 15.6 इंचेस का फुल HD वाला डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है इसका चार्जिंग अडैप्टर और ये जो है आपको जो बैटरी बैकअप देखने के लिए मिल जाएगा इसमें 10 आवर्स का। ये जो है आपको 10 आवर्स तक का बैटरी बैकअप बहुत ही आराम से दे देगा दोस्तों। और ये है इसका यूज़र मैनुअल, जो कि आप देख सकते हैं। और ये है हमारा मेन Redmi Book 15 Pro। तो आप देख सकते हैं इसको जो है मैंने प्लास्टिक रैपिंग से बाहर निकाल लिया है दोस्तों। इसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा कम है और ये जो है मुझे वेट में बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है। इसका जो फील है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे Redmi Unleash Your Creativity लिखा हुआ देखने के लिए आपको इसमें मिल जाएगा। पीछे आप वही देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो आपको विंडोज़ का ऑफिस और स्टूडेंट 2019 देखने के लिए मिल जाता है। तो इसको ओपन करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे कुछ जो की पैड है वो आपको प्रोडक्शन के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। इसका जो की स्पेस है दोस्तों, वो जो है बहुत ज़्यादा कम है, मतलब कि आपको जो टाइपिंग है उसमें करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पे ये जो मल्टी टच पैड है दोस्तों, ये भी जो है बहुत अच्छा क्वालिटी का आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करें दोस्तों इसे कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, तो दोस्तों इसमें जो आपको इंटेल का i5 का 11th जनरेशन देखने के लिए मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको जो है विंडोज 10 होम देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब जो मैं इसको बूट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसका होम स्क्रीन। तो आप देख सकते हैं इसका जो बूट है वो जो है कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। आप जो अपना ब्राउज़र सेट कर सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर जो है क्रोम को। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका अबाउट इन्फो में आप यहां पे देख सकते हैं, इसमें जो आपको 8 GB का रैम देखने के लिए मिल जाता है और इसमें जो आपको 512 GB का NVMe का SSD देखने के लिए मिलता है, जो कि इसको बहुत ज़्यादा फास्ट बनाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको जो है इंटेल i5 का 11th जनरेशन देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप जल्दी से जो है एक स्पीकर को भी टेस्ट कर लेते हैं।